गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेक्चर सीरीज फ्रॉम आरंभ श्री सेकंड। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आरंभ सीरीज का सेकंड पार्ट। इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वह है निम्नलिखित में से सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है। Which of the following part of the sun is seen by humans? यानी मनुष्य के द्वारा सूर्य के किस भाग को देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, फोटोस्फीयर है, कोरोना है, क्रोमोस्फीयर है और कोर है। चार ऑप्शन आपके पास है। इन चारों ऑप्शन में से ये सारे के सारे जो आपके पास ऑप्शन है, ये एक्चुअल में सन के पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सन के पार्ट्स। तो इन सर के सन के इन पार्ट्स में से आपको ये बताना है कि सूर्य यानी सन का ये कौन सा पार्ट जो है ह्यूमन बीइंग द्वारा देखा जा सकता है। तो देखिए, इसका सही जो राइट आंसर इसका आएगा वो आएगा फोटोस्फीयर। तो ध्यान रहे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फोटोस्फीयर। तो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं कि फोटोस्फीयर एक्चुअल में है क्या। देखिए, फोटोस्फीयर जो होता है, जिसे हम हिंदी में प्रकाश मंडल कहते हैं, ये किसी तारे का भारी खोल होता है, यानी जो तारा होता है, तारा। अब यहाँ पे तारे की बात इसलिए आई क्योंकि सन भी एक स्टार, सन इज ए बिग स्टार। देखिए, सन एक बहुत बड़ा तारा है, एक स्टार है, जिसे पृथ्वी से अपनी हम पृथ्वी से अपने अर्थ से उसको आसानी से देख सकते हैं क्योंकि बहुत नजदीक है। तो एक बिग स्टार हम सन को हम एक बिग स्टार कह सकते हैं। और ये जो प्रकाश यानी फोटोस्फीयर है, ये सन का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, एक सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, यही आपका फोटोस्फीयर कहलाता है। इसी पार्ट से यानी फोटोस्फीयर जो सन का सबसे पहला पार्ट यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, यही फोटोस्फीयर जो है इसी से ही प्रकाश निकलता है। सेकंड अगर की पॉइंट्स देखते हैं तो फोटोस्फीयर किससे बना होता है, फोटोस्फीयर जो होता है आपका वो किससे बना होता है। देखिए, सूर्य के अंदर जो है, सूर्य जो हमारे पास सूर्य के अंदर जो रासायनिक तत्व होते हैं, जिसे हम केमिकल एलिमेंट्स कहते हैं, तो कुछ केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। यानी सूर्य जो है ना, सन जो है, उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके अंदर जो फोटोस्फीयर है, सूर्य के अंदर जो फोटोस्फीयर का एक तरह से द्रव्यमान जो होता है, हम कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन हीलियम का जो द्रव्यमान होता है वो 74.9% से 23.8% है। जैसा कि आप देख रहे हो, 74.9% से 23.8% जो है, जो फोटोस्फीयर है आपके पास, फोटोस्फीयर है वो सन के अंदर, इतने द्रव्यमान के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें तो फोटोस्फीयर का क्या महत्व है, यानी क्या इंपॉर्टेंस है फोटोस्फीयर का। तो देखिए, आपको बता दिया जाए, जो हमारा फोटोस्फीयर होता है, यही सन का एक ऐसा भाग होता है जो ह्यूमन बींग द्वारा देखा जाता है। एक तरह से प्रकाश का क्षेत्र होता है, इसी से ही जो सनलाइट है वो निकलती है। और जो हमारे पास ये सौर वातावरण की परत है, सौर वातावरण की परत है, इसका मतलब ये होता है कि इसी से हमें रेडिएशंस यानी हीट मिलती है और इसी से हमें प्रकाश मिलता है यानी लाइट मिलती है, जिससे हमें रोशनी मिलती है या गर्मी प्राप्त करते हैं, वो यही भाग है फोटोस्फीयर वाला। यह वह हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यानी अभी ये क्वेश्चन भी है आपका कि सूर्य के किस भाग को हम देख सकते हैं, तो आप कह सकते हो फोटोस्फीयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ग्रहण के समय सूर्य के निम्नलिखित भाग में से कौन सा दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या कर, जब ग्रहण लगता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है, तो हम कौन सा भाग जो है देख सकते हैं। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स। यानी सूर्य ग्रहण के समय सन का कौन सा भाग जो है हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है फोटोस्फीयर, कोरोना, इसके बाद है क्रोमोस्फीयर, इसके बाद है कोर। तो ऑप्शन ए, बी, डी, सी, डी में आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन अगर हम बात करें तो वो आएगा कोरोना। देखिए, कोरोना कोई यहाँ पे एक बीमारी नहीं है, ये सन का एक पार्ट है, तो कोरोना यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम किसके की पॉइंट्स देखते हैं, क्या सूर्य की सबसे ठंडी परत कोरोना है। देखिए, सूर्य की सबसे ठंडी परत कोरोना नहीं होती, यानी कोरोना जो कोर होती है, यानी एक पार्ट होता है सन का, ये सबसे ठंडी परत नहीं है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, सबसे ठंडी परत होने के बजाय कोरोना इसके नीचे की परत है, फोटोस्फीयर से लगभग 200 यानी 200
टाइम्स जो है अधिक गर्म होती है। आप ये कह सकते हो कि सूर्य की जो परत कोरोना है वो सबसे ठंडी नहीं होती है, ये कोरोना इसके नीचे की परत यानी फोटोस्फीयर के नीचे जो है कोरोना परत पाई जाती है, और ये फोटोस्फीयर से लगभग 200 गुना अधिक गर्म होती है। तो ध्यान रहे, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बना है कि जो आपका ये कह सकते हैं कोरोना, जो कोरोना पार्ट है सन का, ये फोटोस्फीयर से लगभग यानी फोटोस्फीयर जो सबसे ऊपर वाला भाग जो अभी डिस्कस किया था, ये 200 गुना अधिक गर्म होती है किससे, फोटोस्फीयर से, कोरोना पर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कोरोना प्लाज्मा का एक चमकदार लिफाफा होता है, यानी जो प्लाज्मा होता है उसका एक चमकदार यानी साइनिंग साइनिंग एनवलोप होता है जो सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों को घेरता है, यानी हमारे सन को और कुछ अन्य ऐसे हेवनली बॉडीज हैं जिसको घेरता है, यही जो कोरोना है, यही परत जो है हमारे सन के चारों तरफ मिलती है, जो हमारे सन को और अन्य जो अदर जो आपके पास हेवनली बॉडीज हैं उनको ये क्या करती है, सराउंडिंग घेरती है इसको। नेक्स्ट पॉइंट, कोरोना का तापमान सेल्सियस में अगर हम बात करें यानी कोरोना के तापमान की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो देखिए कोरोना का जो टेम्परेचर है वो 10 लाख डिग्री से अधिक है, यानी 10 लाख डिग्री से अधिक है। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंगली बात यह है कि सूर्य की सतह जो होती है, सूर्य की जो परत होती है, सतह जो होती है के तापमान से बहुत अधिक गर्म है, यानी सूर्य की सतह जो होती है, जो सबसे अपर लेयर है, उससे भी ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है कोरोना का, जो लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है। यानी हम बात करें कि कोरोना का तापमान जो है 10 लाख डिग्री से अधिक है, इसका मतलब ये कह सकते हैं 5,500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। अगर हम फारेनहाइट की बात करें तो 9,940 डिग्री फारेनहाइट होता है। अगर इसी को केल्विन में बात करें तो 5,780 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है। कोरोना में दबाव और घनत्व पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में बहुत कम है, यानी कोरोना में जो दबाव होता है, घनत्व यानी डेंसिटी जो होती है, प्रेशर और डेंसिटी जो होती है, पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में बहुत कम है, यानी इस पे कोई दबाव या किसी तरह की डेंसिटी जो है पृथ्वी के, जिस तरह से पृथ्वी के वायुमंडल में होती है, उससे बहुत कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लेता है, यहाँ पे हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ, यानी हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ, ये कहता है सूर्य का जो सन की लाइट जो है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लेती है, सन से जो लाइट आई और वो पृथ्वी तक पहुंची उसमें कितना टाइम लगता है, हमें ये बताना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए में आप कह सकते हो 8 मिनट्स, 9 मिनट, 7 मिनट, यानी 7 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 18 सेकेंड, तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी लास्ट वाला होगा 8 मिनट 18 सेकेंड। 8 मिनट 18 सेकेंड के अंदर जो है सन की जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंच जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख रहे हैं हम, जो हमारी लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लैक्स किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करती है। आप ये कह सकते हो कि जो लाइट की स्पीड होती पर सेकेंड के अंदर, लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 लैक्स किलोमीटर्स की गति से, स्पीड से जो लाइट है वो चलती है, बहुत ज़्यादा है ये लाइट की स्पीड, इससे ज़्यादा किसी की स्पीड नहीं होती। इसलिए प्रकाश को चंद्रमा से वापस पृथ्वी तक आने में लगभग 1.3 सेकेंड का समय लगता है। आप सोचिए कि 3 लैक्स किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से हमारे पास यहाँ पे सन की लाइट जो है पृथ्वी तक पहुँच रही है, इतनी स्पीड है इसकी। और यही कारण है कि जो लाइट हमारी चंद्रमा से टकरा के वापस जो पृथ्वी तक आती है वो 1.3 सेकेंड का समय लेती है। यानी पृथ्वी और सन, यानी हम कह सकते हैं अर्थ और मून के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो एज कम्पेयर टू सन और अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसी वजह से सिर्फ 1.3 सेकेंड सेकेंड में जो लाइट है वो सन से चंद्रमा पे गई यानी मून पे गई, मून से टकरा के जो है हमारी पृथ्वी तक जो पहुंची, सिर्फ 1.3 सेकेंड का समय लेती है। लेकिन ध्यान रहे, जो सन से डायरेक्ट जो हमारी अर्थ तक सनलाइट आ रही है वो सिर्फ 8 मिनट्स और 18 सेकेंड का टाइम लेती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से 1.3 प्रकाश सेकेंड की दूरी पर है,
चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.3 प्रकाश सेकंड यानी लाइट सेकंड की दूरी पर है। यहाँ पे जो लाइट सेकंड है ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करने की एक यूनिट है, इसकी डिस्कशन हम बाद में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो प्रकाश सबसे तेज चीज़ है, सबसे तेज कुछ नहीं हो सकता, इससे तेज कुछ नहीं हो सकता, यानी हमारी लाइट जो है सबसे तेज मूव करती है, सबसे फास्टेस्ट हम कह सकते हैं इसकी जो स्पीड है, और इससे ज़्यादा कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अंधकार प्रकाश की गति से यात्रा करता है, यानी जो अंधकार होता है डार्कनेस जिसे कहते हैं, देखिए जहाँ लाइट नहीं है वहाँ डार्कनेस अंधेरा है, और अंधेरे की गति और प्रकाश की गति एक्चुअल में एक ही है, क्योंकि जिस जगह से लाइट जितनी स्पीड से वहाँ से चली जाएगी उस उतने ही स्पीड से वहाँ अंधकार यानी डार्कनेस आ जाएगी। तो अधिक सटीक रूप से अंधेरा अपने आप में एक अद्वितीय भौतिक इकाई के रूप में मौजूद नहीं है। हम जो अंधेरा जो डार्कनेस है, देखिए लाइट को हम पढ़ते हैं लेकिन डार्कनेस को हम एक अद्वितीय भौतिक इकाई के रूप में नहीं पढ़ते, ये मौजूद नहीं होती, यानी डार्कनेस को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, सिर्फ ये कह सकते हैं कि प्रकाश जहाँ नहीं है, लाइट जहाँ नहीं है, उसी की अनुपस्थिति को ही आप डार्कनेस कह सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी सौरमंडल का हमारे सोलर सिस्टम का सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इन टर्म ऑफ साइज, यानी साइज के हिसाब से लार्जेस्ट प्लेनेट बताना है हमारे सोलर सिस्टम में। तो ऑप्शन ए है बृहस्पति जिसे जुपिटर कहते हैं, ऑप्शन बी है शनि जिसे आप कह सकते हो सैटर्न, और सी ऑप्शन जो है नेपच्यून, और डी ऑप्शन जो है यूरेनस। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है आपको इसका सही ऑप्शन क्या लगता है। तो इसका राइट आंसर है आपके पास जुपिटर। देखिए हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो यही है जुपिटर। आकार में सौर मंडल में सबसे बड़ा कौन सा है, अगर हम बात करें तो अभी अभी मैंने जैसा कि बताया कि जो आपका जुपिटर है जिसे बृहस्पति ग्रह कहते हैं, जुपिटर प्लेनेट कहते हैं, वो है हमारे सौर मंडल का अब तक का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, याद रखना, यानी जुपिटर है, जो द्रव्यमान और आयतन दोनों में अन्य सभी ग्रहों को पछाड़ देता है, यानी कह सकते हैं जिसका मास की बात करें और वॉल्यूम की बात करें वो सभी ग्रहों से बहुत ज़्यादा है, यानी जुपिटर का जो द्रव्यमान है मास जो है पृथ्वी के कंपैरिजन में 300 टाइम्स ज़्यादा होता है, यानी पृथ्वी से बृहस्पति जो मतलब एक कह सकते हैं जुपिटर जो प्लेनेट है उसका जो द्रव्यमान है यानी मास है वो 300 टाइम्स ज़्यादा होता है, और इसका जो व्यास है उसका जो डायामीटर है वो इसका जो डायामीटर है वो 1,40,000 किलोमीटर, यानी पृथ्वी के व्यास का पृथ्वी के डायामीटर का लगभग 11 टाइम्स जो होता है यानी 11 गुना ज़्यादा है, यानी ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के डायामीटर से 11 टाइम्स जो है ज़्यादा इसका एक तरह से डायामीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति है। आपको बताइए कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा जो ग्रह है प्लेनेट है वो जुपिटर है यानी बृहस्पति है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, बृहस्पति की विशालता अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पृथ्वी में 1300 पृथ्वी समा सकती है, यानी आप कह सकते हो कि इतना बड़ा है कि बृहस्पति के अंदर 1300 पृथ्वी जो है समा सकती है, 1300 पृथ्वी जैसी इतने आकार की पृथ्वी, 1300 जो पृथ्वी है वो बृहस्पति ग्रह में आ सकती है, तो देखिए कितना बड़ा हुआ। जुपिटर यानी बृहस्पति एक चमकीला ग्रह है जिसको खुली आंखों से भी देखा जा सकता है, यानी एक चमकीला ग्रह है, इसे अपनी खुली आंखों से भी हम देख सकते हैं। बहुत पहले गैलीलियो गैलीली ने पृथ्वी को सबसे पहले देखा था, देखिए कहते हैं बृहस्पति को सबसे पहले देखा था, यहाँ पे आप कह सकते हो गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति को सबसे पहले देखा था, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। सोलर जो सिस्टम है उसका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो देखिए शनि ग्रह जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, और अगर सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो देखिए वो कौन सा है, तो वो देखिए सौरमंडल में बुध ग्रह जो है जिसे आप क्या कहते हैं मरकरी कहते हैं, तो मरकरी सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा शनि जो सैटर्न ग्रह है, सैटर्न जो प्लेनेट है वो है, और सबसे बड़े की बात करें जो पहले नंबर पे आता है वो जुपिटर प्लेनेट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में निम्नलिखित में किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका परिक्रमण काल सबसे कम होता है, यानी शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस, यानी सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, सबसे कम टाइम लगने वाला प्लैनेट बताना है। तो नेपच्यून है ऑप्शन में, मंगल ग्रह है यानी मार्स है, बुध है यानी आपके पास इसको बोलते हैं मरकरी, वीनस। ठीक है, तो ऑप्शन सही जो होगा आपके पास वो सी ऑप्शन सही होगा, यानी आपके पास मरकरी जो है वो सबसे कम टाइम लेती है, क्योंकि सबसे नज़दीक भी है और इसकी ऑर्बिट जो है सन के चारों तरफ वो छोटी बनती है, इस वजह से सबसे कम टाइम लेता है। तो इसका की पॉइंट्स है, सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, इसका परिक्रमण काल जो है 88 डेज होता है। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल जो है 8 प्लैनेट्स होते हैं, और सबसे जो छोटा होता है, स्मॉलेस्ट जो प्लैनेट्स होता है वो मरकरी है, और सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट होता है सन के वो भी आपका मरकरी ही है, और इसका जो रिवोल्यूशंस है 1 रिवोल्यूशंस में जो टाइम लगता है इसको 88 डेज लगता है। ओके, और इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हो, एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो 354 डिग्री फारेनहाइट होता है। देखिए, फारेनहाइट में इसका टेम्परेचर दिखाया है यहाँ पे, तो 354 डिग्री फारेनहाइट जो इसका एवरेज टेम्परेचर है। नेक्स्ट देखिए, बुध सबसे गर्म क्यों नहीं है? आप देख रहे हो कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, लेकिन फिर भी सबसे गर्म नहीं होता, ऐसा क्यों? देखिए, अपनी धूप वाली तरफ, ये अपनी धूप वाली तरफ जो है पारा 800 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म हो सकता है, लेकिन बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, यानी जो आपका वीनस जो प्लैनेट है वो सबसे गर्म माना जाता है। इसके अंधेरे पक्ष पर बुध बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसके पास गर्मी में रखने और सतह को गर्म रखने के लिए लगभग कोई वातावरण नहीं होता। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि बुध सबसे गर्म इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो धूप वाली साइड है, यानी जो इस पे धूप गिरती है, वहाँ पारा जो है, यानी मरकरी जो है, मरकरी एक पारा होती है, वो वाले पारे की बात कर रहे हैं हम, तो 800 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म हो जाता है, लेकिन बुध हम ये नहीं कह सकते सबसे गर्म है, सबसे गर्म तो शुक्र ग्रह है। इसके अंधेरे पक्ष पर, यानी बुध का जो एक साइड जिस पे धूप गिर रही है और एक साइड जिस पे धूप नहीं गिर रही है, वो बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसके पास गर्मी में रखने के लिए, सबसे पहले इसके पास गर्मी में रखने के लिए, एक्चुअल में हम बात करें इसमें गर्मी में रखने के लिए जो सतह होती है, यानी इस पे गर्मी रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए लगभग कोई वातावरण ही नहीं है, कोई एटमोस्फेयर ही नहीं है। एटमोस्फेयर नहीं है तो टेम्परेचर को मेंटेन भी वो रख नहीं पाता, यही कारण होता है इसका। तो हमने अभी डिस्कस किए आपके पास ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप एक बार फिर रिपीट करके देखिए, समझने की कोशिश करिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।